दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर NISDLET के कोर्स सीरीज में। अभी हम लोग इकाई 6 पढ़ रहे हैं और जो कि है सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित, और आज उसमें हम लोग देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित वित्तीय मापदंड से। तो अगर इससे पहले का सीरीज आपने नहीं देखा है तो जो यहाँ पे हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ये पूरे कोर्स सीरीज का लिंक हमने डाल दिया है, वहां से आप पूरे कोर्स को देख सकते हैं जो भी आपको पढ़ना है या जो आपका छूटा हुआ है। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे के रेड कलर के सब्सक्राइब बटन से, ताकि आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे बिल्कुल फ्री में मिलती रहे। तो चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर। तो हम लोग चलते हैं हमारे टॉपिक में जो कि है सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित वित्तीय मानदंड। तो इस अभियान के अंतर्गत, मतलब सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, केंद्र और राज्यों से प्राप्त वित्तीय सहायता का अनुपात 9वीं 5 वर्षीय योजना में 85:15 का होगा, 10वीं 5 वर्षीय योजना में 75:25 का होगा। तो ये जो अनुपात है वो केंद्र और राज्य का है, तो मतलब केंद्र का 85 होगा तो राज्य का 15 होगा। ये 9वीं 5 वर्षीय योजना में थी, और 10वीं 5 वर्षीय योजना में केंद्र का 75% होगा तो राज्य का 25% होगा, और उसके बाद यह 50-50 का होगा, मतलब उसके बाद 50% केंद्र का 50% राज्य का। तो ये डाटा आप जरूर याद रख लें। आगे है कि भारत सरकार राज्य सरकारों को तथा केंद्र शासित राज्यों को अगली किस्त इस शर्त पर देगी जब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पिछला अनुदान किस्त राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी के खाते में अंतरित कर दी गई है। तो मतलब अगर पहले जो पैसा आया वो सही ढंग से उपयोग हो गया है, उसके बाद ही अगली किस्त दी जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा पहले से ही चल रही स्कीम 9वीं 5 वर्षीय योजना के पश्चात एकत्रित हो जाएगी। प्राथमिक शिक्षा के पोषणात्मक सहायता तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम, जैसे कि मध्याह्न भोजन है, एक विशिष्ट कार्यक्रम होगा जिसमें अनाजों तथा परिवहन खर्च केंद्र सरकार देगी तथा पकाए जाने भोजन में आई लागतें राज्य सरकार देगी। तो यहाँ पे जो आप मध्याह्न भोजन देखते हैं उसमें जो भी खाना आता है वो केंद्र सरकार से आता है, या उसमें जो लाने में जो खर्चा होता है और बनाने में जो खर्चा होगा वो राज्य सरकार देगी। जो पैसा जिसका प्रयोग सुधार के लिए या रखरखाव के लिए, विद्यालय या अध्यापन अधिगम उपकरणों की मरम्मत के लिए, जैसे स्कूल में कुछ मान लीजिए चेंजेज करना है, तथा स्थानीय प्रबंधन के लिए किया जाता है, उस ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, ग्राम पंचायत इत्यादि को वो अंतरित किया जाता है कि वो इसका देखभाल करें। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि सर्व शिक्षा अभियान में विद्यालय तथा अन्य संबंधित सुविधाओं का विकास, ये टॉपिक है, तो किस तरीके का विकास यहाँ पे एक्सपेक्टेड है वो अगर देखें, तो जैसा कि आपको जानकारी है कि प्रारंभिक शिक्षा राज्यों का उत्तरदायित्व और अधिकार क्षेत्र में आता है, परंतु प्रारंभिक शिक्षा का निधियन केंद्र सरकार भी करती है जैसा हमने ऊपर देखा, जिसके फलस्वरूप अब राज्य आधारभूत सुविधाएं के लिए, अध्यापकों की नियुक्ति के लिए तथा अध्यापक प्रशिक्षण देने के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। तथापि सर्व शिक्षा अभियान भौतिक तथा मानव संसाधन लक्ष्यों को, विशेषकर कक्षा पाठ्यपुस्तक के बंटन, अध्यापक नियुक्ति तथा अध्यापक प्रशिक्षण की दृष्टि से प्राप्त नहीं कर पाया है। तो ये सब चीजें यहाँ पे पॉइंट है। तो वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा इसमें हो, तो सभी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा की अभिगम्यता सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जनजातीय तथा समुद्र तटीय क्षेत्र में रहने वाले उपेक्षित और सुविधा वंचित समूह के बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्यनीतियां यहाँ पे विकसित की गई। तो लोक सेवा कार्य, जैसे कि सिविल वर्क्स बोलते हैं, तो सर्व शिक्षा अभियान में लोक सेवा कार्य एक महत्वपूर्ण घटक है। इस घटक के अंतर्गत परियोजना का 33% तक का एक बहुत भारी निवेश किया जा सकता है। विद्यालय की ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने के लिए बच्चे की अभिगम्यता तथा अवधारण बढ़ाने के लिए सहायता मिलती है, और ये दोनों ही सर्व शिक्षा अभियान के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। तो इसके अतिरिक्त इन्हें शैक्षिक सहायता भी मिलती है जो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायता देती है। अभी नवाचारी के क्या क्रियाकलाप होंगे, तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कुछ ऐसे नवाचारी नए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो बच्चे को विद्यालय की ओर आकर्षित करने में, खींचने में और वहाँ अध्ययन करते रहने में सहायक होते हैं। तो इस तरीके का कुछ इंटरेस्टिंग हो कि बच्चे जो है विद्यालय के प्रति आकर्षित हो। इनमें से कुछ योजनाएं जैसे पूर्व बालकाल देखभाल, मतलब जो बच्चे पहले क्लास में एडमिशन लेते हैं उससे पहले, जिसको हम प्ले स्कूल बोलते हैं, उस समय में भी देखभाल हो। लड़कियों की शिक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति की शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षा भी देने की यहाँ पे बात की गई। ये सभी क्रियाकलाप प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण के में उत्प्रेरक का कार्य करती है, एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, कि वो उसको और ज़्यादा एक्सेलरेट करता है, जिससे बच्चे अपनी शिक्षा में रुचि लेना आरंभ कर देते हैं। शोध और मूल्यांकन,
तो इस घटक के अंतर्गत शोध, मूल्यांकन, पर्यवेक्षण तथा मॉनिटरिंग आते हैं, तो उस पर रिसर्च हो कि किस तरीके से यहाँ पे शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। तो क्षेत्र आधारित मॉनिटरिंग के लिए विशेषज्ञों का एक संघ बनाया जाता है। नियमित रूप से समुदाय आधारित आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। उपलब्धि परीक्षण तथा मूल्यांकन अध्ययन किए जाते हैं। शोध क्रियाकलाप भी किए जाते हैं। ऐसे जिले जहाँ पर कि मान लीजिए महिला शिक्षा साक्षरता दर कम है, तो एक विशेष कार्यबल भी वहाँ पर स्थापित किया जाता है। ये सब सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत है। तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों की लड़कियों की शिक्षा को जो है विशेष रूप से यहाँ पे मॉनिटरिंग की जाती है। शिक्षा प्रबंधन सूचना तंत्र पर यथेष्ट जो है खर्चा किया जाता है कि सूचना प्रबंधन का जो मतलब कम्युनिकेशन है, सूचना है, वो एक सही तरीके से हो। दृश्य मॉनिटरिंग प्रणाली के लिए आकस्मिक खर्च जैसे चार्ट, पोस्टर, स्केच पेन, OCP आदि का, OHP आदि का खर्च किया जाता है। तो जितने भी वहाँ पे स्कूल से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो जो खर्च है उसकी भी मॉनिटरिंग यहाँ पे की जाती है। और विद्यालय अनुदान की अगर हम बात करें, तो इस परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को 2,000 रुपये अनुदान के रूप में दिया जाता है, जिसमें से 1,000 रुपये विद्यालय पुस्तकालय की सुविधाओं के सुधार के लिए और शेष 1,000 रुपये रिकंस्ट्रक्शन मतलब खराब हो चुके उपकरणों को ठीक करने के लिए। इसके अतिरिक्त इस शेष राशि का उपयोग विद्यालय के सौंदर्यकरण, फर्नीचर की मरम्मत तथा इसके रखरखाव, वाद्यंत्र की खरीदारी, मरम्मत या विद्यालय परिवेश में विकास के लिए किया जा सकता है। तो इस राशि का जो उपयोग है, कोई भी चीज़ अगर आपको विद्यालय में सुधार करना है तो वो उसके लिए आप कर सकते हैं। आगे आता है अध्यापक अनुदान। तो कक्षागत कार्य संपादन के सुधार लाने के लिए तथा अध्यापन सहायक सामग्री के निर्माण के लिए प्रत्येक विद्यालय को 500 रुपये की अनुदान राशि दी जाती है। और अध्यापन प्रशिक्षण आता है, जिसमें कि जैसा कि आप जानते हैं कि सभी बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सर्व शिक्षा अभियान का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। अतः इस परियोजना के अंतर्गत अध्यापकों को समय समय पर प्रशिक्षण देना इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि गुणवत्ता शिक्षा गुणवत्तायुक्त अध्यापकों पर निर्भर करती है कि अगर अच्छे शिक्षक नहीं होंगे तो फिर अच्छी पढ़ाई कैसे होगी। तो इस प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्यनीति निम्नलिखित हो सकती है। तो अध्यापकों को प्रशिक्षित करना तथा पुनः प्रशिक्षित करना, अगर लगे कि नहीं फिर से ट्रेनिंग की जरूरत है तो फिर से देना। इस प्रशिक्षण के द्वारा अध्यापकों को नई पाठ्यचर्या तथा इस पाठ्य पुस्तकों से परिचित कराना, अध्यापकों को राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF से परिचित कराना, परीक्षाओं में सुधार कैसे लाया जाता है या कैसे लाया जा सकता है इसके उपाय सोचना, और ग्रेडिंग प्रणाली तथा मूल्यांकन, ग्रेडिंग का जो है प्रभाव, और शैक्षिक तथा गैर शैक्षिक क्षेत्रों में सुधार, अध्यापकों को समावेशी शिक्षा के लिए प्रशिक्षित करना, गुणवत्ता शिक्षा उपायों की योजना बनाना तथा कार्यान्वित करना। तो अध्यापक प्रशिक्षण का कार्य डाइट जो हम लोग पढ़े थे उस पर छोड़ा गया, जो अध्यापकों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पहचान करती है और इनके अनुकूल अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करती है। इस प्रकार से प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार आया। तो जो भी शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण देना, वो अच्छे से काम करें और उन्हें जो भी चीज़ें चेंजेज होती है, परिवर्तन होती है, वो सब चीज़ों का फिर से दोबारा भी प्रशिक्षण देना, ये सब चीज़ें यहाँ पे आती है। दूर शिक्षा, तो दूर शिक्षा जिसे कि हम लोग डिस्टेंस एजुकेशन बोलते हैं, तो दूर शिक्षा कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान का एक राष्ट्रीय घटक है जो भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा समर्थित है। दूर शिक्षा कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के का दायित्व इग्नू को सौंपा गया, जिसे सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश सहयोग दे रहे हैं। अध्यापकों के तथा प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े अन्य कर्मियों के सशक्तिकरण में सर्व शिक्षा अभियान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके माध्यम से कक्षा अध्यापन को मल्टीमीडिया पैकेज जैसे स्व अधिगम सामग्री, श्रव्य दृश्य कार्यक्रम, रेडियो ब्रॉडकास्ट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आदि से संपूरित किया जाता है। तो जैसे कि दूर शिक्षा में क्या हो गया, जैसे रेडियो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से या कुछ ऐसे मटेरियल के माध्यम से यहाँ पे पढ़ाई की जाती है, तो वो चीज़ को यहाँ पे सहयोग दिया गया। तो आप इस बात से सहमत होंगे कि विद्यालय में दूर शिक्षा रूप केवल एक बहुत विशाल लोक समूह को संबोधित करने के लिए ही सक्षम नहीं है, अपितु इससे सभी को एक जैसा प्रशिक्षण भी मिल पाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सर्व शिक्षा अभियान में इंटरवेंशन क्या क्या है, तो वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा, उसके बाद आता है लोक कार्य, फिर नवाचारी क्रियाकलाप, फिर विद्यालय अनुदान, उसके बाद शोध तथा मूल्यांकन, अध्यापक अनुदान, अध्यापक प्रशिक्षण और दूर शिक्षा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इसके अंदर में आती है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है मध्यान्ह भोजन व्यवस्था तथा इसका सर्व शिक्षा अभियान में योगदान। तो इसमें अगर देखें जो मध्यान्ह भोजन अभी चल रहा है, तो आप इससे अवगत होंगे कि मिड डे मील MDM जिसको बोलते हैं, इसकी व्यवस्था भारत में एक पर्याप्त रूप से लोकप्रिय स्कीम है, जिसका आरंभ 1960 के दशक में हुआ था। सोचिए 1960 के दशक में ही इसका आरंभ हुआ था। तो इस योजना के अनुसार सभी कार्य दिवसों पर बच्चों को निःशुल्क मध्याह्न भोजन दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे विद्यालय में भूखे ना रहें,
विद्यार्थियों के पंजीकरण में वृद्धि है तथा अधिक से अधिक बच्चे कक्षा में उपस्थित रहें। तो मध्याह्न भोजन अगर दिया जाता है तो बच्चे उपस्थित रहें। इसके अतिरिक्त इस योजना के फलस्वरूप सभी जातियों के बच्चों को एक साथ बैठकर एक ही प्रकार का भोजन कराए, इससे समाजीकरण में भी वृद्धि होगी तथा कुपोषण से निपटने के लिए सहायता मिलेगी। इस योजना का एक परोक्ष लाभ यह भी है कि भोजन पकाने के लिए महिलाओं को व्यवसाय मिलेगा, जिससे उनका सामाजिक सशक्तिकरण होगा, क्योंकि जो मध्याह्न भोजन होता है वहाँ पे वहाँ की जो लोकल महिलाएं या पुरुष होते हैं वो वहाँ पे भोजन पकाते हैं, तो उन्हें भी यहाँ पे व्यवसाय मिलता है। तो आगे अगर हम लोग देखें तो प्राथमिक शिक्षा को पोषण संबंधी सहायता देने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम यहाँ पे चलाए गए हैं। तो इस कार्यक्रम के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार विद्यालय को निःशुल्क अनाज देगी तथा भोजन बनाने में प्रयुक्त अन्य पदार्थों का मूल्य राज्य सरकार वहन करेगी, जैसा हमने आपको बताया, क्योंकि अधिकांश राज्य सरकारें इस कार्य के लिए सहमत थी, अतः भारत सरकार से प्राप्त अनाज बच्चों के माता पिता तक सरकार द्वारा पहुंचाया जाने लगा। इस प्रणाली को सूखे राशन का प्रावधान भी कहा गया, परंतु नवंबर 2001 में सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारों को ये दिशा निर्देश दिए कि जिसके अंतर्गत सरकारों को यह अनिवार्य हो गया कि वे बच्चे को पका हुआ भोजन ही देंगे। पहले आपको याद होगा गेहूं या चावल बच्चों को घर पे भिजवाया जाता था या बच्चों को दिया जाता था, लेकिन उसके बाद ये 2001 में आया कि नहीं, अब जो है बच्चे को यहाँ पे विद्यालय में ही इसकी जो है सुविधा दी जाएगी। इस आदेश को जून 2002 से लागू किया जाना था, परंतु अधिकांश राज्य ने इसकी अवहेलना की। तत्पश्चात न्यायालय के लगातार दबाव के कारण, विशेषतः भोजन का अधिकार अधिनियम के कारण, राज्य ने पका हुआ भोजन देना आरंभ किया। मई 2004 में केंद्र सरकार ने यह वादा किया कि पके हुए भोजन का कुल खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी, जिसके लिए केंद्र ने राज्य सरकारों को और अधिक वित्तीय सहायता देने की आरंभ की। तब जाके जो है ये जो पहले गेहूं चावल बंटता था उसके बाद यहाँ पे स्कूल में ये चीज शुरू हुई। अब जो हमारा अगला होगा पॉइंट वो होगा सर्व शिक्षा अभियान में विद्यमान मुख्य त्रुटियां, इसमें क्या क्या त्रुटियां रहेगी, क्योंकि ड्रॉबैक भी देखना जरूरी है, और सर्व शिक्षा अभियान को सफल कार्यान्वयन के लिए उपचारात्मक उपाय क्या हो सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे आगे से हम इस पॉइंट को देखेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।